इन्फिनिक्स नोट 7 चार्जिंग टेस्ट। सो फाइनली यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 ये एक तरीके से इंडिया में लॉन्च हो चुका है। वेल बेसिकली यहाँ पे जो स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको एक तरीके से यूज डिस्प्ले मिल जाता है, वो है 6.95 इंच का, यानी कि ऑलमोस्ट कहो तो ये एक 7 इंच का डिस्प्ले है जिसमें आपको एक HD+ डिस्प्ले मिलता है। ये फुल HD नहीं है, सिर्फ एक HD+ है। और यहाँ पर इसमें आपको मिलता है मिडिल साइड में कोई भी नॉच नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट साइड में पिन होल पंच कैमरा मिलता है। लेकिन आप जब इस स्मार्टफोन को हाथ में कैरी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने एक स्मार्टफोन को कैरी किया है, ऐसा फील होगा कि आपने एक टैबलेट को ही कैरी किया है। यस, तो फाइनली यहाँ पर आपको जो एक नया टेक्नोलॉजी मिलता है जो कि फिंगरप्रिंट का जो फीचर है उस वो आपको पावर बटन में मिलता है। तो आपको बैक साइड में फिंगरप्रिंट के लिए कोई भी ऐसा राउंड वाला शेप नहीं मिलेगा, सिर्फ जो पावर बटन है वो पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इन्फिनिक्स नोट 7 के साथ में आपको चार्जर मिलता है जो कि है एक 18 वाट का फास्ट चार्जर। यस, और यहाँ पर ये जो चार्जर है और इसमें जो बैटरी मिलती है इन्फिनिक्स नोट 7 में वो है ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी। तो यहाँ पर ये चेक करना तो बनता ही है कि जो 18 वाट का चार्जर है उससे अगर आप अपने इन्फिनिक्स नोट 7 को चार्ज करते हैं फास्ट चार्जिंग से तो आप ये कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेगा इन्फिनिक्स नोट 7 को चार्ज होने के लिए। तो आपको एनालाइज करने में एकदम इजी होगा इस वीडियो में, जिस बिकॉज मैं टॉपिक इसलिए कवर करो जिस अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा एनालाइज हो जाएगा कि इन्फिनिक्स नोट 7 को चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम होता है। सो नाउ अभी यहाँ पे आप देख सकते थे जो टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 8:50 यानी कि 8:50 हो रहे हैं AM। और यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 7 का जो चार्जिंग परसेंटेज है अभी करंटली बेसिस पे वो है 16%। तो यहाँ पर हम इसको 8:50 से चार्जिंग स्टार्ट करेंगे और अभी 16% है और यहाँ पे अभी से ठीक 1 घंटे के बाद फिर से आएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर 1 घंटे के डिफरेंस में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है 16% से। तो यहाँ पे जो चार्जिंग स्टार्ट होगा वो 16% से होगा। एज यू कैन सी यहाँ पर फाइनली मैंने जो प्लग है वो ऑन कर दिया है और यह चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है 8:51 पे। तो अभी से ठीक 1 आवर के बाद हम फिर से आएंगे और फिर से आने के बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 आवर के डिफरेंस में ये कितना परसेंट चार्ज हुआ है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। सो नाउ वी आर बैक आफ्टर 1 आवर। तो यहाँ पर जब मैंने चार्जिंग स्टार्ट किया था उस समय बज रहे थे 8:50 और अभी बज रहे हैं 9:54 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। और जब हमने चार्जिंग स्टार्ट किया था उस समय जो चार्जिंग का कैपेसिटी था वो था 16% और अभी हम 1 आवर के बाद फिर से आए हैं 9:55 पे और अभी जो चार्जिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ है वो है 71% यानी कि 16% to 71% ये रीच्ड हो चुका है 1 आवर के डिफरेंस में। यानी कि ऑलमोस्ट कहो तो यहाँ पर ये 55% कंप्लीट हो चुका है 55 यानी कि 1 आवर के बेस में इसने काफ़ी अच्छा चार्ज किया है। और एक तरीके से कहो तो ये जो चार्जिंग कैपेसिटी है इट्स गुड, वेरी गुड। 1 आवर के डिफरेंस में आपको 55% मिलता है अगर आप इसको 1 आवर में चार्ज करते हैं। बट फाइनली यहाँ पर ये पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, अब इसके बाद भी और रिजल्ट आना बाकी है। सो अभी यहाँ पे हम फिर से एक टाइम लेंगे कैपेसिटी का, यानी कि फिर से एक 1 आवर का टाइम लेंगे और फिर अभी से ठीक 1 आवर के बाद हम फिर से आएंगे और देखते हैं कि ये 71% से कितना परसेंट चार्ज होता है अगले नेक्स्ट 1 आवर में। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। नाउ वी आर बैक आफ्टर 1 आवर। तो यहाँ पे जब हमने रिसेंटली जब पिछले बार चेक किया था उस समय 9:55 हो रहा था, 9:55 में ये 71% रीच हो चुका था। अब अभी यहाँ पे हम फिर से 1 आवर के बाद आए, 10:57 हो रहा है यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजने आ चुके हैं और यहाँ पे जो चार्जिंग कंप्लीट हुआ है वो है 98% यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 100% कंप्लीट होने आ चुका है। तो सिर्फ ओनली 2% रिमेनिंग है। तो ओवरऑली कहूँ तो यहाँ पर इसने पिछले 1 आवर के बेसिस में अभी के 1 आवर में इसने कम चार्ज किया है। पिछले 1 आवर में इसने 55% चार्ज हुआ था बट अभी के टाइम में ये सिर्फ
26% तक चार्ज हुआ है। तो अगर मैं ओवरऑली कहूँ तो यहाँ पर इसने ज़्यादा ज़्यादा टाइम एक तरीके से इसने कंज्यूम कर लिया पूरा कम चार्ज होने के लिए। तो ओवरऑली कहूँ तो यहाँ पर ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को देखें तो कोई भी स्मार्टफोन में आप जो बैटरी का कैपेसिटी होता है वो है 0 to 90%। 0 to 90% आप चार्ज करेंगे तो पूरा डिवाइस आराम से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चार्ज करेंगे यहाँ पर 91 to 100% के बीच का जो लास्ट का जो परसेंटेज है 10% अगर आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पर जो चार्जिंग इसका स्पीड है पूरी तरीके से स्लो हो जाएगा और ज़्यादा टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेगा 10% को चार्ज होने के लिए। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बैटरी का जो मोबाइल की जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी सिर्फ ओनली 90% तक ही होता है। तो इसलिए मैं आपको एक ये ओपिनियन यही देना चाहूँगा कि आप अपने स्मार्टफोन को अगर चार्ज करें तो सिर्फ और सिर्फ 0 to 90% तक ही चार्ज करें, या तो मैक्स टू मैक्स 92% तक। उसके बाद आप उसे बिल्कुल भी चार्ज मत करें बिकॉज इसी बैटरी का जो वेटेज है जो कैपेसिटी वो 90% तक ही होता है। अगर आप 91 to 100% पूरा चार्ज करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल की बैटरी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर मैं इन्फिनिक्स नॉट 7 के बारे में कहूँ तो ये था इन्फिनिक्स नॉट 7 का एक चार्जिंग टेस्ट। तो आप आई होप आपने एनालाइज कर ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।